पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। जो जानकारी सामने आई है उसकी माने तो बंदी संजय ने तेलंगाना पेपर लीक मामले में साजिश की बात कबूल ली है, जिसकी वजह से उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें, तेलंगाना बीजेपी चीफ को बुधवार को तड़के पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी चीफ पर हुई कार्यवाही को लेकर जमकर विरोध किया। खबरों की माने तो बंदी संजय कुमार को लेकर वारंगल पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साजिश की बात कबूली है। इसके अलावा रिपोर्ट में बंदी संजय को पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भी बनाने की बात कही गई है। उधर बंदी संजय के अलावा 3 अन्य लोगों को भी मामले में 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबरें तो ये भी है कि अब इन सभी को करीमनगर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वही मामले में बात करते हुए बंदी संजय के वकील का कहना था, हम ऐसी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करेंगे। हम कल हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। इस बीच आज तेलंगाना बीजेपी चीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले पुलिस ने मामले की जांच के लिए बंदी संजय की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। गौरतलब है कि करीमनगर पुलिस ने मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात को बंदी संजय को गिरफ्तार किया था। उन पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रदेश बीजेपी चीफ की गिरफ्तारी सियासत में उफान ला रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।